फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैक्स विद डेजी। फ्रेंड्स, आज मैं डेजी का ब्लॉग लेके आ रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। आज वैसे बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो हमारे ऑफिस में अकेडमी में हमारे इंस्ट्रक्टर हैं रितु, आज मैं उनके यहाँ लेके जा रहा हूँ। और उनके यहाँ पे एक डॉग है जो मिक्स ब्रीड है, उन्होंने अडॉप्ट करा हुआ है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। आज उनके साथ मिलेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वहाँ पे देखते हैं, डेजी न्यू फर्स्ट टाइम उनके साथ मिलेंगे, देखते हैं कैसा उनका दोनों का रिएक्शन कैसा रहता है और मिल के क्या करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर तो डेजी लड़ती नहीं है, अब देखते हैं। और अगला ब्लॉग वहीं मिलते हैं। बाय बाय। ये देखो हम आ गए भाई इनके पास पे। हाय गाइस, ये देखो। क्या बात है, फ्रेंड बन गई भाई। मेरे को लग रहा था कि ये ना कुछ लड़े ना। ये है बैठे हमारे कोमल जी। वाओ, ये हमारे रितु, हमारे इंस्ट्रक्टर, और ये हमारी एमआर मुस्कान रानी, और ये हमारे आगे मिसेज ममता बिस्ट। हेलो, हेलो करना है। देखो यार कितना अच्छा लग नहीं रहा था कि इतना देखो। थोड़ा सा डैनी अग्रेसिव है, लिटिल बिट डैनी अग्रेसिव है। डीजी कितनी पोलाइट है, इतनी शांत है। थोड़ा सा हमारे डैनी जी है, ये थोड़ा एग्रेसिव है। और डैनी से फिर से भी 2 मंथ्स बड़ा है, इन्होंने लिया था जब, तो ये 2 मंथ्स बड़ा है। डेजी भी 4 मंथ्स की है, तो ये भी 6 मंथ्स रनिंग में। तो थोड़ा सा हमारी डेजी पोलाइट है, डैनी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम अभी लग रहा है कि मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा, शायद ऐसा लग रहा है इनको फील कर रहे। तो फ्रेंड देख सकते हो। वाओ, तो भी अभी इसको हम पर टेरेस पे लेके चल सकते हैं। हाँ, पे लेके चल, वहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा खुल के देखना। अब हम ज्यादा देर तो यहाँ नहीं बैठेंगे, गर्मी बहुत है आज। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको टेरेस पे लेके चलते हैं। चलो इनको देखो। डैनी ऐसे क्यों भाई, ये देखो कितने। वाओ, डेजी को इसलिए नहीं खोला क्योंकि डेजी अगर डेजी को खोल दिया ना, तो ये भी एक बार इसने अटैक कर दिया था हमारे डोरा पर। तो क्योंकि ये जब एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये डॉग्स में बस एग्रेसिव वैसे नहीं है, मेरे डेजी एग्रेसिव नहीं है मेरे डॉग, और ये एग्रेसिव हो जाते हैं तो सोचा क्योंकि बहुत पोलाइट है, किसी से काटती नहीं है, बहुत पोलाइट है। यदि कोई डॉग इसके ऊपर बात करता है तो ये अटैक कर देता है। इधर देखो यार, डैनी का ना थोड़ा दांत निकल गया है, इसके दांत निकल रहे थे अभी, एक अभी ये निकल गया खेलते हुए, इसके ब्लड भी आ रहा है यार काफी, देख सकते हो यार फ्रेंड्स। एक बार दिखाना जरा इनका, एक दांत निकल गया इनका। आओ, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इनका दांत निकल गया तो फेस में, इधर ले बेटा, उससे दांत में ब्लड भी निकल रहा है। सो
ये बहुत ज्यादा पहले नहीं था यार। कोई बात नहीं, पहले अपने साफ करो। चलो चलो छोड़ो छोड़ो। यार अभी ये दोनों लड़ चुके थे, वैसे ये थोड़ी सी ज्यादा शैतानी कर रहा है। डेजी को देखो, डेजी कैसे बैठी है। डेजी को देखो, डेजी डेजी का भी दांत टूटने वाला है। इसके दांत में ब्लड लग रहा है, दांत में टूटने वाला है, ब्लड लग रहा है। खेल लेते थे यार, पहले नहीं था। अभी आजकल ज्यादा एग्रेसिव, मैं बात दूसरों के साथ नहीं है डॉग्स वगैरह में, और किसी भी अगर पर्सन से मिलता है तभी किसी को ऐसे काटता नहीं है ना भौंकता। बट ये पता नहीं डेजी से क्यों करता है। फ्रेंड्स अभी ये दोनों लड़ चुके थे ना, बच गए। अभी अगर और ट्राई करते हैं इनको मिलाने के लिए, तो हमारे डेजी तो बहुत पोलाइट है, अब हमारी टैनी जो है ना वो पता नहीं क्या जी मैन क्या कब बनेगा उसका फ्रेंड। मुझे लग रहा है रोज इनको मिलवाना पड़ेगा। अभी भी देख लेना टैनी नहीं करते बेटे, पारी करो पारी। डेजी तो बहुत खेलने के मूड में, ये पता नहीं किसके मूड में। ये देखो हमारी डेजी जैसे बैठी। डेजी तो इतनी क्यूट डेजी है। फ्रेंड इसकी वजह से खोल नहीं पा रहा हूँ मैं डेजी को, पता है ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। अभी मैं सोचा थोड़ी देर गेम खेलेंगे उनको देखेंगे, लेकिन ये खोलते के साथ डैनी थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया पता नहीं क्यों, और अभी भी ऐसे ही कर रहा है। देखो ये देखो हमारे डेजी को देखना, डैनी एकदम बहुत चिढ़ता है। कोई ला वाला ओए ये मैंने पहला डॉग ऐसा देखा है जो फीमेल डॉग को देख के एग्रेसिव हो रहा है, नहीं तो फीमेल डॉग को देख के ज्यादातर डॉग एग्रेसिव होते नहीं है। ये थोड़ा सा हमारा डॉग मतलब सॉरी हमारा डैनी थोड़ा सा नेगेटिव है ऐसा लग रहा है मुझे, और उसको सर पे चढ़ाने वाली हमारी ये हमार वो खेलने के लिए काफी हो जंप जंप करेगी। डैनी नहीं बेटा, डैनी देखो फ्रेंड्स यार देखो अभी ये कर रहे, अभी ये जैसे कर रहे बहुत पोलाइट है। और पता नहीं डैनी सिट 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 फ्रेंड्स गुड गुड बॉय। अभी बड़ी मुश्किल से इनको बैठाया है, और ये डेजी तो काफ़ी रिलैक्स है, बस थोड़ा सा डैनी एग्रेसिव है बार बार, पता नहीं क्यों उसको बार बार वर्क करो इसको। और ये तो तुम्हें क्या लगता है इनको देख के कि यार ये कभी फ्रेंड्स बन पाएंगे? पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि दोनों कभी फ्रेंड्स बन पाएंगे, क्योंकि यार ये अभी आप फर्स्ट टाइम रहे दो थे, वैसे तो हमेशा ऐसा रहा नहीं है। क्योंकि मैं जब डोरा से ही मिलाया था ना, तो दोनों डोरा और ये दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। आज फर्स्ट टाइम डैनी से मिलाया तो काफ़ी टाइम से टाइम बन नहीं पा रहा था, इसलिए अभी आना पड़ा था काफ़ी बहुत दिनों बाद डैनी से मिलने के लिए। तो यार डैनी थोड़ा सा बार बार एग्रेसिव क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। डॉग से फ्रेंडशिप नहीं करता डैनी, किसी डॉग से फ्रेंडशिप नहीं करता। हाँ ये ह्यूमन के वैसे ठीक है, डैनी ह्यूमन फ्रेंडली है बट डॉग फ्रेंडली। लड़का तो नहीं ना, अभी तो नहीं एक ही बंदा जैसे कैमरा उसकी तरफ गया तो खुश खुश कराने लग गई। एक ही बंदा डांटेगा, यही डांटेंगे अपने को। ये मिस कोमल आपको डेजी को पकड़ के कैसा लग रहा है भाई? बहुत ही हैवी। आपको कैसा लग डेजी, आप हो या वो हो कुछ ऐसा, ये आपको घुमा रही है आप उसको घुमा? ये दोनों ही डेजी है, हम दोनों डेजी। ना कमेंट। आज आपको कैसा लगा डैनी से डेजी से मिलके? मुझे बहुत अच्छा लगा डेजी से मिलके, लेकिन मेरे डैनी को अच्छा नहीं लगा शायद। हट क्या था? हट डैनी को से मैं हमारी एमआर। आपको कैसा लग रहा है कुछ? ये डाल दूंगा तो कैसा लग रहा है वैसे? हमारी तो काफी अच्छी फ्रेंड बन गई डेजी, पर डैनी की नहीं बनी। अफसोस, बहुत अफसोस है, बहुत बड़ा। Ready, ready.
पता नहीं क्या कुछ सोचा कि काफी मजा करेंगे और ये दोनों गेम खेलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन यार ये थोड़ा सा ना ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये हमारा डैनी पता नहीं क्यों हुआ इतना अग्रेसिव है, वैसे है नहीं, मैं तो मैं मिला हूँ कितनी बार, बट डेजी को मैंने फर्स्ट टाइम मिलाया। डेजी को देख के तो यार बहुत ज़्यादा किसी हो गया। एक बार और ट्राई करूँगा मैं, फिर भी नेक्स्ट डे एक बार दोबारा लेके आऊँगा, और आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ यार, कुछ ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ नहीं है, तो ये वीडियो हम यहीं करते हैं ख़त्म, आगे मिलते हैं तो फिर करते हैं। बाय।